बोलना चाहता हूँ कि मैं आया था दुबई में, तो लोन लेके आया था, तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो अभी भरता हूँ 2400 कुछ रुपये महीने में भरना पड़ता है, 2 साल तक भरेगा। तो मैं कैसे पे करता हूँ क्रेडिट कार्ड का बिल, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और आपको भी अगर नहीं आता होगा समझ में तो आप वीडियो देख के और आप भी पे कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्सिस मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग वीडियो पे वाले उसके बाद देख सकते हैं आप मेरा पैसा कितना है। बिल पेमेंट 9344.42 पैसा। लॉग इन, राइट साइड लॉग इन पर क्लिक करेंगे, आपका एम पिन डालेंगे, ये देख सकते हैं, ये हमारा ऊपर स्लाइड करके जाएंगे तो नीचे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, इस क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दो क्रेडिट कार्ड है मेरा, एक अमेज़न एक फ्लिपकार्ट, तो दोनों का ईएमआई पे कर दिया हूँ, इसका अभी कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड का ईएमआई अभी पे करके आप लोग को दिखाऊंगा, अमेज़न का कर चुका हूँ, पिछले महीने का सक्सेसफुल हो चुका है, यह महीने का इतना आया है 2464 रुपया। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, मिनिमाइज नहीं, मिनिमम नहीं, लास्ट बिल पेमेंट किया जाता है कभी भी नहीं, तो फाइन डलता है, मिनिमम सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर लास्ट है, लास्ट बिल पेमेंट करेंगे। उसके बाद नीचे पे पे क्लिक करेंगे, नीचे कन्फर्म करेंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू कंटिन्यू पे सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये दिखाने के लिए मैं आप लोग को बैक किया था कि मिनिमम नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, लास्ट बिल सेलेक्ट करना चाहिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंफर्म टू पे पे क्लिक करेंगे। 5 अगस्त तक टाइम है लेकिन मैं आज ही पेमेंट करते रहूँ। आज कितना, आज 17 तारीख है, 15 तारीख को बिल बना था। और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप अपना एम पिन डालेंगे, जो एम पिन है वो एम पिन डालेंगे, उसके बाद देख सकते हैं कंफर्म हो गया, टिक लग जाता है, ओके कर देंगे, समझ के आ गया, देख सकते हैं मेरा बिल पे हो गया, पेमेंट सक्सेसफुली। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे और नॉलेजबल वीडियो लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ दिखाना चाहते हैं, आपका कितना ईएमआई पे और करना है तो आप क्रेडिट कार्ड पे जाके देख सकते हैं। जैसे 2 महीने का पे कर दिए, बाद में कितना महीने का है एक्टिव, नीचे स्लाइड करके आएंगे तो एक्टिव ईएमआई का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में जाके नीचे आएंगे तो एक्टिव ईएमआई दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपको पता चलेगा कितना ईएमआई पे और करना है, ठीक है, कितना आप पे कर दिए, कितना और करना है। मेरा 22 पेमेंट हो चुका है, 2 और बचा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं पैसा कट चुका है हमारा 6897।